गुरु का ज्ञान पड़ेगा भारी या चेला मारेगा बाजी, जानिए क्या कहती है विशाखापट्टनम की पिच रिपोर्ट। दिल्ली और चेन्नई का मुकाबला विशाखापट्टनम में क्यों? क्या दिल्ली स्टेडियम में नहीं होगा अब आईपीएल? पंत बदलेंगे प्लेइंग 11 या गायकवाड़ करेंगे कोई बदलाव? जानिए 22 गज की इस पिच पर कौन से 22 खिलाड़ी मचाएंगे धमाल। तारीख नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2024, जगह विशाखापट्टनम। गुरु और चेले के बीच होगी जबरदस्त जंग। गुरु महेंद्र सिंह धोनी तो वहीं चेले ऋषभ पंत की टीमों के बीच होगा धमाकेदार मुकाबला। हालांकि गुरु चेले की ये जंग डायरेक्ट नहीं होगी, क्योंकि गुरु महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अस्त्र डाल दिए हैं, यानी अब वो इस महान टीम के कप्तान नहीं है, यानी जंग ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच है। सीएसके की कमान इस बार ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में आ गई है। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 13 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये मैच खेला जाएगा विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में आपको इस मैच से जुड़ी वो तमाम जानकारी देंगे, जिसे जानने के बाद आपके मन में इस मैच को लेकर कोई भी सवाल नहीं बचेगा। इस वीडियो में बात डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम की पिच की करेंगे, साथ ही इस मैच के दौरान विशाखापट्टनम का मौसम कैसा रहेगा वो भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी, क्या कोई बदलाव की संभावना है या नहीं, साथ ही हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आईपीएल 2024 के मैच नंबर 13 में गुरु महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और चेले ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स का आमना सामना होने जा रहा है। इस मैच के लिए दोनों ही टीमों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ ऐसी टीम है जिसने हार का मुंह नहीं देखा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जिसे ये नहीं पता कि जीत का स्वाद कैसा होता है। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का ये मैच दोनों ही टीमों के लिए उनका तीसरा मैच है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 2 मैच खेल चुकी है और दोनों ही मैचों में टीम को शानदार जीत प्राप्त हुई है, जिसकी बदौलत इस वक्त टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में दिल्ली को हार नसीब हुई है, यानी दोनों ही टीमों में से जीत दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां एक और हार का मतलब तो सब खत्म नहीं होता, लेकिन ये टीम के मोमेंटम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। बहरहाल दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले आईपीएल 2024 का मैच नंबर 13 खेला जाएगा विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखरा क्रिकेट स्टेडियम में। आईपीएल 2024 का पहला शेड्यूल जो जारी हुआ था, उस वक्त दिल्ली के स्टेडियम में मैच होना संभव नहीं था, इस वजह से ये मैच न्यूट्रल वेन्यू में कराया जा रहा है। और क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक सवाल और भी है कि आखिर विशाखापट्टनम के इस मैदान पर फायदा किसे मिलेगा? क्या बल्लेबाज यहाँ रनों की बारिश करेंगे या गेंदबाजों की चांदी होगी? अगर गेंदबाज फायदा उठाएंगे तो क्या तेज गेंदबाज कहर भर पाएंगे या फिर स्पिनर्स स्लो पॉइजन का काम करेंगे, यानी वो विकेट चटकाएंगे? तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो इस पिच पर हमें रनों की बरसात होते हुए नजर आ सकती है। बल्लेबाजों की पसंदीदा पिचों में से एक माने जाने वाली इस पिच पर हालांकि बहुत ज्यादा 200 से ज्यादा का स्कोर खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इस पिच पर रन खूब बनते हैं। इस पिच पर अगर टॉप स्कोर की बात करें तो वो मुंबई इंडियंस के नाम है। मुंबई इंडियंस ने साल 2016 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 206 रन बनाए थे। अभी तक इस मैदान पर कुल 13 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 7 बार चेस करने वाली टीम ने मैच अपने नाम किया है, यानी बात साफ है। जो भी टीम यहां टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। इस मैदान पर सबसे सफल रन चेस की बात करें तो साल 2016 में ही इस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 173 रन बनाकर मैच अपने नाम किया था। बल्लेबाजों की इस मददगार पिच पर अब तक किसी भी बल्लेबाज ने आईपीएल मैचों में शतक नहीं ठोका है। इस पिच पर डेविड वार्नर ने सर्वाधिक 91 रनों की पारी खेली है। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम की इस पिच से स्पिनर्स को भी थोड़ी मदद की उम्मीद की जा सकती है। इस पिच पर एडम जैम्पा ने एक मैच में 19 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। ये स्पेल इस मैदान पर किसी भी गेंदबाज द्वारा किया गया सबसे बेहतरीन स्पेल है। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी वाइजैक के मैदान पर भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर मैच ही किसी कारण रद्द हो गया तो फिर क्रिकेट प्रेमियों को काफी निराशा हाथ लगेगी। हालांकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ऐसा होने की उम्मीद काफी कम है। चलिए जानते हैं मैच के दौरान वाइजैक का मौसम कैसा रहेगा। विशाखापट्टनम में क्या है मौसम का हाल? आईपीएल 2024 का मैच नंबर 13 विशाखापट्टनम में 31 मार्च को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच वाले दिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मौसम 30 डिग्री के आसपास रहेगी।
दिन की तुलना में मैच के वक्त भी तापमान 30 डिग्री के आसपास ही रहने का अनुमान है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को हालांकि लगभग 78% ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो मैच वाले दिन और मैच के समय बारिश की संभावना बिल्कुल कम है, यानी फैंस को पूरे 40 ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा। पिच जान लिया, वेदर भी देख लिया, अब जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है जिसने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों मैच गवाए हैं, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स क्या कुछ बदलाव कर सकती है, चलिए सबसे पहले बात चेन्नई सुपर किंग्स की करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, एमएस धोनी विकेटकीपर, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर रहमान। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में थी, बिल्कुल वही टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी। ओपनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र आपको खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों ही खिलाड़ी शानदार और गजब की फॉर्म में हैं। दोनों ही खिलाड़ी पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ अर्धशतक से चूक गए थे, अर्धशतक नहीं लगा पाए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। मिडिल ऑर्डर में टीम में अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल आपको दिखेंगे। दोनों ही बल्लेबाज काफी खतरनाक फॉर्म में भी है और टीम को इनसे काफी उम्मीदें होंगी, खासकर अजिंक्य रहाणे से फैंस को काफी उम्मीदें होंगी। फिर बैटिंग में फिनिशर का काम शिवम दुबे के कंधों पर होगी। पिछले मैच में भी शिवम दुबे ने आक्रामक पचासा लगाया था। प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा और समीर रिजवी भी आपको दिखेंगे। ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी में टीम को धार देने का काम बखूबी कर सकते हैं। रिजवी की बात करें तो पिछले मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला था और अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया था, जिसे देखकर माही भी डगआउट में काफी खुश हुए थे। वहीं जडेजा न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में टीम के लिए अहम योगदान देंगे। पिन डिपार्टमेंट का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर होगा। दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और मुस्तफिजुर रहमान टीम के तीन प्रमुख तेज गेंदबाज होंगे। मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही घातक फॉर्म में है। पर्पल कैप की रेस में मुस्तफिजुर रहमान बिल्कुल टॉप पर बने हुए हैं। वहीं टीम को दीपक चाहर से पावर प्ले में विकेटों की काफी उम्मीद होगी। जहां एक और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अपने कई खिलाड़ियों के फॉर्म में लौटने की उम्मीदें होंगी। चलिए अब नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 कैसी होगी। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रिकी भोई, ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के कंधों पर होंगी। टीम के डायरेक्टर सौरव गांगुली भी साफ कर चुके हैं कि ये दोनों खिलाड़ी ही टीम के ओपनर होंगे। ऐसे में ये जोड़ी ही हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। वार्नर जहां पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो वहीं पिछले मुकाबले में 49 रन बनाकर वो आ रहे हैं। तो वहीं मार्श ने पिछले दोनों मुकाबलों में स्टार्ट मिलने के बाद अपना विकेट गंवाया है। रिकी भुई प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं, लेकिन ये उनका आखिरी मौका भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबलों में वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। नंबर 4 पर कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पंत अभी तक कुछ खास तो नहीं कर पाए, लेकिन इंजरी के बाद पंत का टीम में लौटना दिल्ली कैपिटल्स के मोराल के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सुमित कुमार को भी प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, लेकिन वो भी आखिरी मौका साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों मुकाबलों में वो कुछ खास नहीं कर पाए। अक्षर पटेल फिनिशर की भूमिका अदा कर सकते हैं, साथ ही साथ गेंदबाजी में वो कुलदीप यादव के साथ स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। वही एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट का जिम्मा संभालते हुए हमें नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें, तो दोनों ही टीमें आईपीएल इतिहास में 29 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से 19 बार सीएसके ने, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और हेड टू हेड आंकड़ों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी राय आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।